2 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि आवास क्षेत्र विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक ने तमिलनाडु के साथ कितने डॉलर का समझौता किया है। तो यह 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। और तमिलनाडु को लोग मैप में देखेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य है और ये इसका भूभाग है। और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। और विधानसभा सीट जो है यहाँ पे 235 है, राज्यसभा सीट 18, लोकसभा सीट 39 है। और द वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1944 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जबकि सदस्य देश जो हैं वो 189 हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य में शुरू होने वाला है। तो यह मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश को मैप में देखेंगे तो ये हमारे मध्य प्रदेश का भूभाग है, ये हमारे मध्य प्रदेश का भूभाग है। और मध्य प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल लालजी टंडन हैं। और लोकसभा सीट 29 है, जबकि यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो यह वियतनाम में आयोजित किया गया है। वियतनाम को हम मैप में देखेंगे तो ये वियतनाम का भूभाग है, ये जो भी भूभाग है ये सब वियतनाम का भूभाग है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग हैं और प्रधानमंत्री ग्यूएन तन जुंग हैं। और अब हम लोग आसियान के बारे में कुछ जानेंगे। तो आसियान जो है वो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, जिसका स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा। तो यह दिल्ली में खोला जाएगा। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि राज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह भारत 1949 ईस्वी से इस दिवस का आयोजन कर रहा है। और ICAI यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1949 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो अतुल कुमार गुप्ता हैं। अगला प्रश्न है कि पहले PC महानलोबी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये चक्रवर्ती रंगराजन यानी कि सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। ये पूर्व में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक विधान चंद्र राय के याद में मनाया जाता है, और जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है कि गुडनी जोहानसन कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यह आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइसलैंड को लोग मैप में देखेंगे तो ये आइसलैंड का भूभाग है। और आइसलैंड की जो राजधानी है वो रेकजाविक है, जबकि मुद्रा यहाँ की जो है वो क्रोना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। भारतीय डाक की जो स्थापना हुई थी ये 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके महानिदेशक अरुंधति घोष हैं। कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो यह कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कर्नाटक को मैप में देखेंगे तो यह कर्नाटक का भूभाग है, ये कर्नाटक का भूभाग है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो VS येदियुरप्पा हैं, जबकि राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। राज्यसभा सीट 12 है, जबकि लोकसभा सीट यहाँ का 28 है। और अगला प्रश्न है कि भारत में GST दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। और GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भारत में 2017 में लागू हुआ था, जबकि GST लगाने वाला पहला देश फ्रांस था। और भारत का GST मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक वीडियो लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।